हेलो एवरीबॉडी, EzQuant के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको हमारा जो इंडेक्स ऑप्शन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हमने पिछले हफ्ते लॉन्च किया उसका लाइव ट्रेडिंग वीडियो दिखाने वाला हूँ। कमेंट्स में बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि सर एक लाइव ट्रेडिंग दिखा दो, कैसे इनपुट्स डालने हैं, कैसे पैरामीटर्स डालने हैं, वो हमें क्लियर कट आइडिया लग जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये सॉफ्टवेयर को रियल मार्केट्स में चलता हुआ दिखाने वाला हूँ। देख लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार। काफ़ी वॉलेटाइल है, आज बहुत ही बड़े गैप अप के साथ खुला है, ऑलमोस्ट प्रीवियस डे के भी हाई के ऊपर ओपन हुआ है और खुलते ही काफ़ी जल्दी नीचे आ रहा है। तो थोड़ा आज बेरिश मार्केट एक्सपेक्टेड है, बट लेट्स सी, अल्गो खुद डिसाइड करेगा क्या ट्रेड करना क्या नहीं करना। सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और आज मैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड करूँगा। सो बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लिया, टाइम वगैरह जो भी पैरामीटर्स है वो मैं एंटर कर देता हूँ एक बार। वन मिनट का रेंज ब्रेकआउट फॉलो करेंगे, टारगेट रखेंगे 100, स्टॉप लॉस 50, मिनिमम रेंज 1, मैक्सिमम 25। चार ट्रेड्स लेना चाहूँगा, रियल मार्केट्स में चलाने वाले हैं, मेरे अकाउंट में ट्रेडिंग होगी। प्री डिफाइंड क्वांटिटी दो लॉट से ट्रेड करेंगे, फिक्स क्वांटिटी मोड में जाएंगे, सिंगल टारगेट मतलब एक ही टारगेट अचीव करना चाहते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए दिखाना चाहता हूँ जो लोग बोलते हैं कि ऑप्शंस में तो बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है। नहीं, मैं ओनली बाइंग मोड में चलाने वाला हूँ, इसका मतलब मैं केवल 5000 के कैपिटल से भी ट्रेड कर सकता हूँ ये चीज़, और बुक प्रॉफिट और ट्रेलिंग एसएल मोड में चला रहा हूँ। आईडी पासवर्ड लगा के स्टार्ट एल्गो पे क्लिक कर देते हैं। ₹922 से ₹923 में चलाया है हमने अल्गो। ₹923 हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसने रेंजेस रिकॉर्ड कर लिए। कॉल ऑप्शन का हाई और लो रिकॉर्ड हुआ है 244.8 और 234.1, और पुट ऑप्शन का हाई और लो रिकॉर्ड हुआ है 258.0 और 246.0। 100% टारगेट मतलब ₹12 का टारगेट और 50% एसएल मतलब ₹6 का स्टॉप लॉस सेट हुआ है। वेट करते हैं ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट होते ही सॉफ्टवेयर हमारा ट्रेड लेगा। आप पुट ऑप्शन की प्राइस देख सकते हो, हम मैंने ऐड कर दिए है दोनों वॉच लिस्ट के, सबसे पहले टॉप पे ही है दोनों ऑप्शंस। तो यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई है हमारे सॉफ्टवेयर ने पुट ऑप्शन में, 262.5 हमें काफ़ी एक अच्छे प्राइस पे मिल गया, 260 पे हमें मिल गया है दोनों लॉट्स, और ट्रेड हुआ है लगभग 9:23:50 पे। हमारा फर्स्ट प्रॉफिट बुक हो चुका है 9:24:31 पे, मतलब नॉट इवन वन मिनट, एक मिनट से भी कम टाइम में हमारा पहला प्रॉफिट बुक हो चुका है। 100% जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो चुका है। हमारा स्टॉप लॉस आप देख सकते हो नीचे, सॉफ्टवेयर ने ट्रेल करके एंट्री पे ला दिया है हमारा सॉफ्टवेयर ने स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस और भी आगे ट्रेल हो चुका है, लाइक 264 तक स्टॉप लॉस पहुँच गया है। तो मतलब अगर यहाँ से ऑप्शन नीचे भी आ जाता है, अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है और पुट ऑप्शन गिर जाता है, तो भी मैं प्रॉफिट में ही निकलूंगा। मतलब अभी मैं निश्चिंत हो चुका हूं, मेरा एक प्रॉफिट सिक्योर हो चुका है। अभी जो भी पोजीशन ओपन है उसका स्टॉप लॉस मेरा एंट्री के ऊपर आ चुका है, तो अभी लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है। मार्केट में कुछ भी हो जाए मैं प्रॉफिट में ही निकलने वाला हूँ। आपके सामने लाइव ट्रेडिंग होती हुई आप देख सकते हो,
एक मिनट से भी कम टाइम में उसने एक लॉट से हमारा प्रॉफिट बुक कर दिया और ये हमारा दूसरा लॉट भी एग्जिट हो गया एट 9:25, मतलब 9:23 को ट्रेडिंग चालू हुई थी, 9:25 को ख़त्म हो गई। दो ढाई मिनट की ट्रेडिंग थी, 3 मिनट भी नहीं लगे पूरे हमें एक 200-225 का प्रॉफिट निकालने में ये ऑप्शंस ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से। तो देखो, इसी रीज़न से मुझे ऑप्शंस में ट्रेड करना बहुत पसंद आता है, इंडेक्स ऑप्शंस में, क्योंकि ट्रेड बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल वाले होते हैं, लॉन्ग रैलीज भी कैच कर पाना इजी होता है और बहुत जल्दी ब्रेकआउट हो जाता है। स्टॉक्स चॉपी होते हैं लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस हमेशा से बहुत ही अच्छे से ब्रेकआउट देते हैं और द सेम रीज़न क्यों मुझे इनमें ट्रेड करना पसंद आता है। एक बार लॉजिक देख लेते हैं ट्रेड का कि कैसे हुआ, क्या हुआ, और हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। तो मैंने आपके सामने 31700P का चार्ट खोल रखा है, ये है हमारी कैंडल जो थी 922 से 923 वाली, इसका हाई लो मैंने मार्क कर रखा है। और अगर मैं ट्रेड को कंटिन्यू करता, अगर मैं ट्रेलिंग करता ही नहीं, स्टॉप लॉस को इधर ही रहने देता, तो आप देख सकते हो मैंने कितनी अच्छी रैली कैच करी होती। लगभग 260 के आसपास हमारी एंट्री बनी थी और मैं आज 602 पे क्लोजिंग हुआ है। तो अगर MIS में भी लगाता स्क्वायर ऑफ करीब करीब 650 के आसपास भी हो जाता तो भी मैं एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाता। तो यही मज़ा है इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेड करने का, रेंज बनाओ, बहुत जल्दी से ब्रेकआउट होगा, एक काफ़ी अच्छा परसेंटेज वाइज प्रॉफिट निकाल के देगा। ये चीज़ आप 5000 रुपये में भी ट्रेड कर सकते थे और 5000 से 225 का प्रॉफिट कोई बुरा नहीं होता। तो ये मेरा वीडियो बनाने का एम भी यही था कि आपको क्लियर कट आइडिया लगे सॉफ्टवेयर में कैसे पैरामीटर्स डालने पे कैसे परफॉर्म करता है और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाओ। अगर ये सॉफ्टवेयर आप अपने अकाउंट में ट्राई करना चाहते हो तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए दिए गए नंबर पर। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग।